हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये कल का ही व्लॉग है। मैंने आपको बोला था ना, मैं फरे वाला व्लॉग फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, दनकोसे वाला। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, 10 तारीख का। और यहाँ पे देखिए, पीहू अपने टैडी को पढ़ा रही है। टैडी उसका चेयर पे बैठा है, जैसे कि वो बैठ करके पढ़ती है, तो वो भी टैडी को बैठ करके पढ़ा रही है और बहुत खुश हो रही है। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग में इसी तरह बने रहिए और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं तैयारी करने जा रही हूँ सबसे पहले स्टफिंग की, मतलब फिलिंग की। तो ये देखिए, ये है चने की दाल जो कि मैंने सुबह भिगो दिया था धुल करके अच्छे से, और इसको मैंने 5-6 घंटे अच्छे से भिगोया है। अब इसको मैं पीसने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ 7 से 8 लहसुन लिए हैं और 2 हरी मिर्च ली है। अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। पहले मैंने एक साथ भर दिया था पीसने के लिए, बट मुझे लगा ये ज़्यादा नहीं अच्छे से पीस पा रहा है, चल पा रहा है, तो फिर मैंने इसको 2 जगह डिवाइड करके फिर पीसा है, तो अच्छे से पीस गई है। बहुत बारीक अगर आप नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन महीन होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको पीस ले रही हूँ। Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch. तो मैंने दाल पीस ली है और मैंने उसको रख दिया है। अब मैं यहाँ पे आटा भी सान लूँगी, क्योंकि मैं ये आटे का बना रही हूँ, गेहूँ के आटे का। तो मैंने इसमें क्या डाला है, थोड़ा सा नमक डाल करके पानी से हमें इसको गूँथ लेना है। बहुत पतला आटे की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक डो होना चाहिए। अभी आप देखिएगा किस तरह का मैंने आटा अब रखा है, आप भी उसी तरह रख सकते हैं। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं दनकोसा, फरा और भकुसवा, 3 अलग अलग नाम हैं इसके। तो मैं वही यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए, मैंने इतना आटा साना है और मैं इसको गूंद करके लगा दूंगी। तो पता नहीं वर्मा जी और पीहू खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही बना रही हूँ। लेकिन लास्ट में जब मैंने उनको दिया तो उन दोनों लोग को बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, अब मैंने ये फिर से लहसुन लिया है, गार्लिक और 2 हरी मिर्च फिर से मैं कूट रही हूँ। इसको मैं छौंकने के लिए कूट रही हूँ, मतलब जब मैं इस, देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन और हरी मिर्च, और थोड़ी सी मैं हल्दी भूल गई थी पहले, फिर मैंने हल्दी भी डाला। मुझे याद आ गया कि कलर भी चाहिए होगा थोड़ा, तो मैंने ये हल्दी देखिए डाल दिया है। तो अब बस हमें इसमें डाल देना है लहसुन और ये हरी मिर्च। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी, मुझे लग रहा था बहुत तीखा हो जाएगा, बट ये तीखा नहीं था। एक्चुअली हरी मिर्च जो है वो बहुत कम तीखी थी, तो पीहू भी खा ली आराम से। अब मैं देखिए इसको पानी डाल रही हूँ, मैं इसी पानी में उबालूंगी। ये स्टीम में भी पकाया जाता है, मतलब कुकर में रख के स्टीम पर भी पकाया जाता है, बट मैं पानी में पकाने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से भी, कभी मैं आपसे स्टीम वाला भी शेयर करूंगी। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था तीखी होगी हरी मिर्च, बट वो तीखी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, हमने मैंने तो हरी चटनी से खा लिया, मेरा हो गया, साथ में मेरी पीहू ने भी खा लिया। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नहीं डाला। अब मैं स्टफिंग में थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल दूंगी, वरना वो बहुत सादा सादा सा लगेगा, ये चने की दाल है। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और जिस तरह से हम लोग गुजिया बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें आटे की लोई की गुजिया बना लेना है, आटे की लोई, और उसके बाद हमें गुजिया स्टाइल में उसको स्टफिंग भरते जाना है और उबलते हुए पानी में हमें उसे डालना है। तो
यहाँ मेरा पानी जो है वो उबल रहा है। अब मैं इसे उबलते हुए पानी में ये डालती जाऊँगी जो मैंने गुजिया शेप में बनाए हैं अपने फरे, और इसको हमें अच्छे से पका लेना है। 10 से 15 20 मिनट भी आप पका लीजिए। मैंने एकदम आँच को धीमा कर दिया है और जितना मैंने बनाया था एक साथ मैं डाल दूँगी। पूरी अच्छी तरह से मैंने गुजिया की तरह नहीं बंद किया है, थोड़ा थोड़ा उसका जो स्टफिंग बाहर आएगा ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जो ग्रेवी है ना पानी वो गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डालती जा रही हूँ गर्मा गर्म, और हमारा ये जो है उबलेगा। अब मैं इसको जब बन जाएगा सारा मैंने डाल दिया है, अभी हम एक बार इसको चला देंगे और इसे ढक करके मैं चली जाऊँगी नहा धो करके चेंज करके आऊँगी, क्योंकि मैं छत पे गई थी। तो छत पे आने से के बाद सबसे पहले मैंने ये बना लिया है और उसके बाद मैं आराम से इसको पकने दूंगी 10 मिनट तक धीमी आंच में। और जब मैं आकर के देखती हूँ, मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये देखिए पक चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, 5 मिनट मैंने कट करके देखा तो थोड़ा सा मुझे पक्का कम लग रहा था, तो फिर मैं 5 मिनट इसको मैंने और पकाया। टोटल मैंने 20 मिनट धीमी आँच में पकाया होगा और ये बहुत अच्छा पक गया है। अभी खाने के लिए ये तैयार है। चलिए फटाफट से अपना यमी यमी सा फरा दनकोसा बकुसवा जो भी आप बोल सकते हैं। और हाँ, ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था ना, इसकी जो मेरी कढ़ाई थी थोड़ी मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने इसको अपनी बड़ी कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था, ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि वो अच्छे से चलाते नहीं बन रहा था, गिर रहा था। देखिए साइड में गिरा हुआ है ना, इसीलिए फिर मैंने इसको कढ़ाई चेंज कर ली है। तो मैंने 4-5 पीस जो हैं वो अलग से निकाल दिए हैं। क्यों निकाले हैं आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो ये हमारे खाने के लिए तैयार है ग्रेवी के साथ। चलिए फटाफट से यम्मी यम्मी अपना फरा खाते हैं। और इसके साथ वैसे हींग का अचार बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने अपनी तीखी वाली हरी चटनी ले ली है और ढेर सारा देसी घी डाल करके गर्मा गर्म मैं इसको खा रही हूँ। और अभी दूसरा दिन हो चुका है, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम का गलका वाली चटनी, जो मीठी चटनी होती है ना वही, पर मैं इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ नमकीन वाले अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और मैंने ये गुड़ से नहीं बनाया है, चीनी से बनाया है। ये देखिए ये है आम, इसकी मैं आपके साथ नमकीन अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है गलका जो बन गया है, इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। और यहाँ देखिए पीयू क्या कर रही है। मेरा बेटा क्या कर रहा है? लहसुन छील रही हो? लव यू पीहू, आई लव यू। तो यहाँ मैं और पीहू दोनों लोग मिलके गार्लिक को पील कर रहे हैं, छील रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया ना खट्टे आम के अचार बनाने जा रही हूँ। तो इसमें लहसुन चाहिए, हरी मिर्च चाहिए और खट्टा आम चाहिए, तो वही सब मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ सारा सामान। और आज मैं आपके साथ एक अपने बचपन की बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं मम्मी से बात कर रही थी तो बातों ही बातों में वो बात खुली कि जब मैं बहुत छोटी थी, करीब एक मतलब 3-4-5 साल की रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस समय मैं अपने बच्चों को तो शौक़ होता ही है तो मुझे भी बड़ा मेकअप वेकअप का शौक़ था। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया है और मैं इसको पीस लूँगी, एक स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा चला लूँगी। हाँ, तो मैंने क्या किया, मम्मी की बिंदी ले करके लगाने के चक्कर में उसको मैंने अपने नाक में डाल लिया, मतलब मम्मी लेटी हुई थी और मैं खेल खेल में करते करते मैंने अपनी नाक में डाल लिया और वो बिंदी बड़ी सी बिंदी थी और वो मेरे नाक में ऊपर चिपक गई। अब जब मेरे नाक में ऊपर वो चिपक गई तो फिर मैं परेशान होने लगी, जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने जब देखा तो फिर हमें मुझको बहुत मुश्किल हुई और फिर मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरा जो मिक्सचर है वो पिस गया है, इसी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सादा नमक मैं डाल रही हूँ। और बस हमें इसको अच्छे से चला करके, कांच के बॉटल में अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बट मेरे पास कांच का जार नहीं है तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक के जार में मतलब प्लास्टिक के डिब्बे में निकाल के पोर करके रख दूँगी। और धूप दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ तो धूप खैर है नहीं बट फिर भी मैं इसको धूप में रखूँगी। और ऐसा अचार आपका 5 से 6 दिन मतलब 1 हफ्ते आराम से चल जाएगा। हाँ, तो मैं अपनी बात पर आ जाती हूँ।
तो वो बिंदी के लिए मतलब मेरे को तुरंत फिर पापा को लेकर के मुझे भागना पड़ा, वो अचानक इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, रात मतलब रात या शाम का टाइम रहा होगा, और फिर तुरंत डॉक्टर वहाँ पे थे हमारे उधर, तो वो बोले कि अब माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट थैंक गॉड उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया और वो बिंदी बहुत मुश्किल से निकली। बट ये बहुत ही रिस्की होता है, बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो कभी कभी पीहू भी ऐसा करती है, तो मैं उसको बहुत ध्यान रखती हूँ। कुछ भी काम मैं कर रही होती हूँ, मेरी दूसरी आँख उसी पे होती है, जैसे कि माँ के सर के पीछे एक और आँख होती है, कुछ उसी तरह से मैं उसका ख्याल रखती हूँ। बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, बट कभी ना कभी गलती तो हो ही जाती है। तो लीजिए, हमारा यहाँ अचार बन के तैयार है, और कैसा लगा ये रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आज का व्लॉग है, ये मैं कल वाले व्लॉग को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने वो भकुसवा बनाया था ना, वही, तो सुबह से थोड़ा बहुत मैंने काम किया। अभी आपने देखा कि मैं बना रही थी चटनी, तो चटनी क्या, अचार आप इसे बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि वर्मा जी एक आम लेकर के आए थे, और मतलब आम लेकर के आए थे, लंगड़ा आम जो होता है, पर वो पका नहीं, और वो काट के हम लोगों ने देखा तो वो कच्चा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको पेपर में रैप करके रखती हूँ, पर सुबह पापा से मेरी बात हुई फतेहपुर में, तो पापा ने बोला ये सड़ जाएगा, तो इसीलिए फिर पापा ने बोला इसको तुम चटनी बना लो। तो मैंने गलका वाला मीठा वाला आम का अचार बना लिया, और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लहसुन का नमकीन वाला भी अचार बना लेती हूँ। और आज मैंने सुबह कपड़े धुले थे, तो आज बारिश थोड़ी कम है, तो मैं भी लकी थी कि जो मेरे कपड़े धुल गए और सूख भी गए, थोड़ा सा यहाँ फैला दिया है, अभी सूख जाएगा। धूप आज निकली थी, अभी भी हल्की हल्की धूप है, तो सूख जाएगी, तो यही है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। बस आज का ये जो व्लॉग है, कल वाला मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको यहीं फिनिश कर दूँगी, फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मेरे भकुसवे की रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल हम लोग ने खाया, पीहू को भी अच्छा लगा और पीहू के डैडी को भी पसंद आया, तो हम सब लोग ने खाया है। आज मैं इसको फ्राई करूँगी, मतलब ये ना मैं सोच रही हूँ शाम को फ्राई करूँगी, क्योंकि सुबह तो मैंने अब बना लिया है सब्जी रोटी और दाल, साथ में ये चटनी अचार बनाया है, तो ये तो बना ही लिया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसको मैं शाम को वो करूँगी, फ्राई करूँगी। तो वो किस तरह से करती हूँ वो भी मैं आपको कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, तो कल वाला व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आज के व्लॉग में आप लोग ने बोला कि आप लोग नहीं जानते हैं भकुसवा, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि हाँ वो जानते हैं, उन दनकोसा भी बोलते हैं ना इसे, तो वो लोग जानते हैं। अच्छा लगा मुझे सुन करके, तो बस चलिए आज का ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।